नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे की पांचवी मैच। तो ये रहेगी आज यानी कि 14 जुलाई 2024 को शाम को 4:30 बजे। तो जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाली है उस ग्राउंड का हम पिच रिपोर्ट देखेंगे, उस मैदान पर किस तरह से बल्लेबाजों का प्रदर्शन हो रहा है वो देखेंगे, गेंदबाजों का प्रदर्शन उस पिच पर किस तरह से हो रहा है वो देखेंगे, उसके अलावा उस पिच पर किस तरह से टीम का परफॉर्मेंस हो रहा है वो देखेंगे। 2 से लेकर 3 ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाऊंगा, दोनों भी टीम के तरफ से बैटिंग ऑर्डर और कौन कितने ओवर डालेगा वो बताऊंगा, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो इस मैच में कंफर्म काम करेगी। एक भी मैच में ये ट्रिक फेल नहीं होती है। तो कैसी कौन सी ट्रिक है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। किस तरह से टीम बनानी है ताकि फर्स्ट या फिर टॉप रैंक हासिल कर सके, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाली है उस ग्राउंड का नाम है हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम हरारे। तो इस ग्राउंड पर ये मैच होने वाली है। तो यहाँ पर जो पिच होती है वो बैलेंस टाइप की पिच होती है। यहाँ पर बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों को भी इस ग्राउंड पर मदद मिलती है, और यहाँ पर पेसर जो होते हैं उनको सुबह में अच्छी खासी असिस्टेंट मिलती है यानी कि अच्छी खासी मदद मिलती है, और दोपहर की जो मैच होती है, वैसे तो इंडिया के टाइम के हिसाब से ये 4:30 बजे की मैच है, लेकिन जिम्बाब्वे के हिसाब से ये इससे पहले मैच होगी, यानी कि यहाँ पर जो स्पिनर होंगे उनको धूप के वजह से मदद मिलेगी, स्पिनर भी चलेंगे इस मैच में। और यहाँ पर जो पिच होती है वो बदलती नहीं है, पहली इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, सेम उसी तरह से मदद मिलती है जिस तरह से पहले इनिंग में मदद मिलती है। तो यहाँ पर पिच बदलती नहीं है। उसके बाद अगर स्कोर की अगर बात करें तो इस ग्राउंड पर 156 का एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड पर, लेकिन यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग मैचेस होते रहते हैं। कभी 150 के अंदर कोई टीम ऑल आउट हो जाती है, तो कभी 200 के ऊपर भी चले जाती है, यानी कि इस ग्राउंड पर हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों भी टाइप के मैचेस होते हैं। और यहाँ पर जो पहले बल्लेबाजी करती है टीम वो ज़्यादा बार इस ग्राउंड पर मैच जीतती है सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के मुकाबले। तो ये पिच है, इस तरह की पिच है। तो चलिए अब मैं आपको किस तरह से मैचेस इस ग्राउंड पर हो चुके हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाली है उस ग्राउंड पर अब तक जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के इस सीरीज के टोटल 4 मैच हो चुके हैं। और यहाँ पर जो मैं गौर करने लायक बात यह है कि इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों भी आपको दिखते हैं। यहाँ पर इंडिया का 234 का हाई स्कोर है जो कि इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे के दूसरे T20 मैच में इंडिया ने बनाया था। और हाई स्कोर सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश 194 रन बनाई थी, और फर्स्ट इनिंग के लो स्कोर की अगर बात करें तो 114 है, और सेकंड इनिंग के लो स्कोर की अगर बात करें तो 90 है। तो यहाँ पर जो स्कोर बनता है तो इसमें ज़्यादा बार जो स्कोर बनता है फर्स्ट इनिंग में लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडिया जब भी इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी की है तो इंडिया ने 150 के ऊपर ही रन 150 के ऊपर ही रन मारे हैं। और जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बार 115 रन बनाए, और उस 115 रन को भी इंडिया ने डिफेंड की सॉरी जिम्बाब्वे ने डिफेंड किया, यानी कि इस ग्राउंड पर गेंदबाजी काफ़ी अच्छी होती है, और यहाँ पर जिम्बाब्वे ने एक बार 150 के ऊपर रन मारे हैं। तो इस ग्राउंड पर 150 के ऊपर भी जिम्बाब्वे मार सकती है, इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो इंडिया 150 के ऊपर भी मार सकती है, 200 के ऊपर भी मार सकती है। वैसे ये तो पिच रहेगी स्लो पिच, लेकिन इस पिच पर इंडिया के बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो ये उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। 150 तक इनका हाई स्कोर बन रहा है या फिर 150 के अंदर ही ऑल आउट हो रहे हैं। तो बाकी के अगर मैच की बात करें तो इस ग्राउंड पर विकेट जाते हैं 5 से लेकर 10 के बीच में। तो इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में टीम ऑल आउट भी होती है, और यहाँ पर
सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकंड इनिंग में भी अच्छे खासे स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग का हाई स्कोर हो जाए तो सेकंड इनिंग में भी हाई स्कोर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर विकेट की अगर बात करें तो सेकंड इनिंग में इंडिया ने एक भी विकेट नहीं गंवाई थी, 156 रन बनाए थे पिछले मैच में। तो सेकंड इनिंग में अगर इंडिया पहले सेकंड इनिंग में इंडिया बल्लेबाजी करती है तो हो सकता है एक या दो ही विकेट के नुकसान पर रन चेस कर ले अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करती है तो। और उसके अलावा बाकी के मैचेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो विकेट गिरते हैं 5 से लेकर 10 के बीच में विकेट गिरते हैं, तो इसके बीच में आप जो भी विकेट सोचकर टीम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड इनिंग में भी जो स्कोर बनता है तो ज़्यादा बार जो स्कोर बनता है वो 150 के अंदर बनता है, और 150 के ऊपर जो स्कोर बनता है सेकंड इनिंग में वो बहुत ही कम बार बन चुका है। लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग में जिम्बाब्वे हो या फिर इंडिया हो, दोनों भी 150 के ऊपर रन बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैचेस जाते हैं। चलो अब मैं आपको बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाता हूँ इस ग्राउंड पर किस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर अब तक जो बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है तो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर एरन फिंच ने 172 रन बनाए हैं 76 गेंदों में। तो इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहता है। और यहाँ पर इसी T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा 100 रन बनाए, जयसवाल ने 93 और गायकवाड़ 77 रन बनाया है। तो इस ग्राउंड पर तीन ऐसे बल्लेबाज हो चुके हैं, तीनों भी इंडिया के हैं, जिन्होंने 50 के ऊपर रन मारे हैं। तो इस ग्राउंड पर 50 से ऊपर रन मारे जा सकते हैं अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो। वैसे में आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं इंडिया की तरफ से, और जिम्बाब्वे की तरफ से भी प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन। उनके तरफ भी अच्छे खासे बल्लेबाज हैं जो 50 के ऊपर मार सकते हैं। और यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो हाई स्कोर है तो 172 का हाई स्कोर है। दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सेंचुरी इस ग्राउंड पर मारे हैं, तो आज के मैच में भी कोई ना कोई मार सकता है। वैसे तो जयसवाल नॉट आउट रहा था 93 पे, अगर और बड़ा टारगेट हो जाता तो वैसे में जयसवाल 100 भी मार सकता था। यानी कि इस ग्राउंड पर अच्छी खासी बल्लेबाजी की जा सकती है, इसलिए आज के मैच में आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस ग्राउंड पर 50 से लेकर 120 के बीच में कोई भी बल्लेबाज मार सकता है, इसलिए आप उसके तरफ से 50 से लेकर 120 के बीच में आप रन एक्सपेक्ट करते हुए अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं। तो चलिए अब गेंदबाजों का भी बता देता हूँ किस तरह से गेंदबाजों का प्रदर्शन इस ग्राउंड पर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर जो गेंदबाजों का प्रदर्शन रहता है, इस ग्राउंड पर फास्टर और स्पिनर दोनों को भी 4-4, 3-3 विकेट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 विकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर एंड्रू टाई ने 5 मैच खेले, 5 में से 1 मैच में विकेट ले गया, और बाकी के जो 4 मैच थे उसमें 3-3 विकेट निकाले। यानी कि इस ग्राउंड पर फास्टर को मदद है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हफीज ने 2 बार 3 विकेट निकाले, 1 बार 4 विकेट, ये स्पिनर है। उसके अलावा यहाँ पे बर्ल, इसने 2 बार 3 विकेट निकाले इस ग्राउंड पर। जोंगवे जो कि फास्टर है, इसने 2 बार 3 विकेट निकाले। सुंदर ने 1 बार निकाला इसी T20 सीरीज में। उसके अलावा बिश्नोई आपको दिख रहा है, इसने भी एक ही मैच में 4 विकेट निकाले। तो यहाँ पर फास्टर और स्पिनर दोनों को भी 4 विकेट या फिर 3 विकेट मिलते हैं, इसलिए आप किसी फास्टर या फिर स्पिनर को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर लुक जाऊंगे जो कि फास्टर है, इसने 4 विकेट एक ही मैच में निकाले। तो इस ग्राउंड पर फास्टर और स्पिनर दोनों को भी मदद मिलते हैं। तो आज के मैच में आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन और गेंदबाज को वाइस बना सकते हैं, या फिर दोनों भी बल्लेबाज को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या फिर दोनों भी गेंदबाजों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर हाई स्कोरिंग मैच होती है तो वैसे में आप दोनों भी बल्लेबाजों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर लो स्कोरिंग मैच सोचकर टीम बनाते हैं तो वैसे में आप किसी बल्लेबाज को वाइस कैप्टन और गेंदबाज को कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, या फिर दोनों भी गेंदबाजों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो इसमें स्पिनर फास्टर दोनों चलते हैं, तो आपको आज के मैच में दोनों भी लेना है, और उनमें से जिसे भी कैप्टन या फिर वाइस बनाना है आप बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैचेस इस ग्राउंड पर होते हैं, गेंदबाजों का प्रदर्शन इस तरह से रहता है। चलो अब मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ कौन कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग करने आता है मारुमानी के साथ मदेवीरे आता है। तो अगर मारुमानी नहीं खेलता है तो कैया ओपनिंग करता है, अगर खेलता है तो वो। उसके अलावा मारुमानी के मदेवीरे के साथ कभी कभी
बेनेट भी ओपनिंग करता है, तो बेनेट का कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है। कभी आता है तीसरे पे, कभी आता है दूसरे पे, कभी आता है चौथे पे, उसी तरह से छठवें में भी आ जाता है। उसी तरह से अगर मारुमनी की अगर बात करें तो मारुमनी ये ओपनिंग ही करेगा खेलेगा, तो मधेवीरे का कोई कंफर्म नहीं है ओपनिंग। ये कब ये इस सीरीज में तो ओपनिंग कर चुका है, लेकिन इसके पहले इसने 7 नंबर पे भी बैटिंग की है, 4 पे भी की है, तो इसका बैटिंग और यहाँ पर 6वें नंबर पे भी की है, तो इस नंबर पे भी ये आ सकता है, कोई कुछ बता नहीं सकता। यहाँ पर अगर तीसरे नंबर की अगर बात करें तो सिकंदर राजा आता है, बेनेट आता है, कैया और मायर्स और नकवी। तो यहाँ पर सिकंदर रजा जो है इसका कोई बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, कभी पांचवे पे। उसी तरह से नकवी की भी आप बात करें तो ये भी कभी तीसरे, चौथे, पांचवे पे आता है। उसी तरह से अगर बेनेट की अगर बात करें तो बेनेट ओपनिंग करता है कभी दूसरे पे। कैया की अगर बात करें तो कैया कभी पहले पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। मायर्स की अगर बात करें तो ये भी कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, कभी पांचवे पे। उसी तरह से 6वें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे मडांडे आता है, बेनेट भी आता है, मधेवीरे भी आता है, शुम्बा भी आता है। तो यहाँ पे मडांडे का भी कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, क्योंकि मडांडे आता है कभी पांचवे पे, कभी छठवें पे, कभी सातवें पे आता है। उसी तरह से अगर 7वें नंबर की अगर बात करें तो कैम्पबेल, इसका भी कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं, कभी आता है चौथे पे, कभी आता है सातवें पे आता है। उसी तरह से यहाँ पर बाकी प्लेयर का आप देख सकते कौन कितने नंबर पे आता है, कौन सा गेंदबाज कितने नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से मेन गेंदबाज कौन कौन सा है जिम्बाब्वे की तरफ से, तो मेन गेंदबाज है यहाँ पे 8 नंबर से लेकर 11 तक जो भी प्लेयर आपको दिख रहे हैं, जांगवे, अक्रम हो गया, मगुटा, मसाकाडजा, मुजरबानी, फहीम सॉरी एप अक्रम, नगरवा, चटारा। तो ये जो प्लेयर है ये सभी के सभी मेन गेंदबाज है, जो 1 से लेकर 4 ओवर डाल सकते हैं। ज़्यादातर केस में ये 4 ओवर डालने वाले गेंदबाज है, लेकिन अगर ये इनकी पिटाई होती है तो ये 4 ओवर नहीं डालेंगे, इनके जगह पे कोई भी पार्ट टाइम गेंदबाज 4 ओवर डाल सकता है। तो यहाँ पर आप पार्ट टाइम गेंदबाज और ऑलराउंडर की अगर बात करें तो और भी कुछ ऐसे गेंदबाज है जो पार्ट टाइम गेंदबाजी या फिर 4 ओवर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे गेंदबाज है, तो यहाँ पर आपको जो सराजा दिख रहा है ये 1 से लेकर 4 ओवर डालेगा, नकवी भी 1 से लेकर 4 ओवर डालेगा, नकवी खेलता है तो कंफर्म गेंदबाजी करेगा। उसके अलावा मायर्स जो आपको दिख रहा है ये राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज है, ये एक ओवर तो कन्फर्म डालेगा, मैक्सिमम 4 तक डाल सकता है। उसके अलावा अगर और बात करें तो यहाँ पर बेनेट ये भी 1 ओवर कंफर्म डालेगा, मैक्सिमम 4 डाल सकता है अगर इकोनॉमी अच्छी होती है तो। उसके अलावा और अगर गेंदबाजों की अगर बात करें तो मधेवीरे ये भी 1 ओवर कंफर्म डालेगा, मैक्सिमम 4 ओवर डाल सकता है। तो ये कुछ पार्ट टाइम गेंदबाज और राउंडर है जो यहाँ पर गेंदबाजी डाल सकते हैं। तो उसके अलावा और अगर बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर नहीं दिख रहे कौन कुछ गेंदबाजी जो गेंदबाजी डाल सकते हैं। पार्ट टाइम गेंदबाज मैंने बता दिया, मेन गेंदबाज बता दिया। तो चलिए अब मैं आपको इंडिया के भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ओपनिंग करने आएगा गिल के साथ जयसवाल, अगर जयसवाल नहीं खेलता है तो अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेगा, या फिर ये दोनों भी नहीं खेलता है अभिषेक और जयसवाल तो गायकवाड़ ओपनिंग करेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सैमसन आ सकता है या फिर दुबे आ सकता है। तो यहाँ पर ओपनिंग करने आएगा गिल के साथ जयसवाल, और तीसरे नंबर पे गायकवाड़ आएगा, और चौथे या फिर तीसरे नंबर पे अभिषेक शर्मा भी आ सकता है, चौथे नंबर पे गायकवाड़ जा सकता है, क्योंकि गायकवाड़ ने इस सीरीज में चौथे नंबर पे बल्लेबाजी की है और अभिषेक ने तीसरे नंबर पे भी की है बल्लेबाजी। तो यहाँ पर 5वें नंबर की अगर बात करें तो रिंकू सिंह आता है, और यहाँ पे अगर जितेश शर्मा खेलता है तो ये 5वें नंबर पे आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर की अगर बात करें तो पराग आता है,
पराग तो वैसे इसको अगर नहीं खेलने को मिला तो जायसवाल खेलेगा पाँचवें नंबर पे, या फिर दुबे खेले चौथे नंबर पे खेलेगा। उसके अलावा पाँचवें नंबर पे यहाँ पर सैमसन, जितेश शर्मा या फिर दुबे में से कोई आएगा। छठे नंबर पे रिंकू सिंह, जुरेल, जितेश शर्मा, सुंदर और दुबे, इनमें से कोई भी छठे नंबर पे आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सातवें नंबर पे सुंदर या फिर जुरेल में से आएगा, और आठवें नंबर पे यहाँ पर सुंदर, बिश्नोई या फिर हर्षित राणा। मुझे लगता है आज के मैच में हर्षित राणा को चांस मिलेगा। वैसे इस सीरीज में एक भी बार हर्षित राणा को गेंदबाजी नहीं मिली है, तो हो सकता है आज के मैच में इसे खिला ले। तो ये आता है आठवें नंबर पे, तो या फिर नब्बे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर मैंने बैटिंग ऑर्डर लिख दिया है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते कौन कितने नंबर पे आता है, वैसे भी मैंने बता दिया है। तो मेन गेंदबाजों की अगर बात करें तो मेन गेंदबाज है यहाँ से इंडिया की तरफ से 8 से लेकर 11 तक आपको जो भी प्लेयर दिख रहे हैं, सुंदर, बिश्नोई, राणा, कुमार, आविश, देशपांडे, खलील, तो ये जो आपको प्लेयर दिख रहे हैं ये सभी के सभी मेन गेंदबाज हैं जो 1 से लेकर 4 ओवर डालेंगे। तो पार्ट टाइम गेंदबाज भी है जो 1 से लेकर 4 ओवर डाल सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो पार्ट टाइम गेंदबाजों की अगर बात करें तो ये दुबे 1 से लेकर 4 ओवर डाल सकता है। उसके अलावा पराग अगर खेलता है तो 1 ओवर तक कन्फर्म डालेगा। और उसके अलावा और अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा जो कि 1 से लेकर 4 ओवर डाल सकता है। वैसे इसने पिछले मैच में भी 1 विकेट निकाली थी। तो यहाँ पर मैंने बैटिंग ऑर्डर आपको बता दिया कौन कितने नंबर पे आता है और कौन कितने ओवर डालेगा वो भी आपको बता दिया। चलो अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह से ट्रिक का यूज़ करना है ताकि आपकी फर्स्ट या फिर टॉप रैंक आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैच में जो ड्रीम टीम चली थी तो ये वाली ड्रीम टीम है, तो पहले मैच में ये कॉम्बिनेशन आया था। इस सीरीज में टोटल 4 मैच हो चुके, तो ये पहले मैच का कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये दूसरे मैच का कॉम्बिनेशन आप देख सकते कौन कैप्टन बना, कौन सा कॉम्बिनेशन चला। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते तीसरे मैच का कॉम्बिनेशन, कौन कैप्टन बना, कौन कॉम्बिनेशन में आया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रीम टीम का कॉम्बिनेशन, इसमें भी आप, ये आखिरी की मैच है यानी कि कल की मैच है जो चौथी मैच हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कैप्टन बना और कौन सा कॉम्बिनेशन ड्रीम टीम में आया। उसके बाद चलो अब मैं आपको इसी कॉम्बिनेशन को देख कर किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीरीज में अब तक जो जिम्बाब्वे की तरफ से कॉम्बिनेशन वर्क कर चुके हैं, अभी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है उसी स्क्रीनशॉट में से मैंने ये कॉम्बिनेशन निकाले है। तो पहले मैच में कौन चला, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, चौथे में कौन चला, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते जो भी कॉम्बिनेशन आया है इस सीरीज में, तो हर एक कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर 6 प्लेयर चले, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 जिम्बाब्वे की तरफ से। अगर सेम यहाँ पर जो पहले मैच में जो 6 चले उसी तरह से सेम उतने ही 6 प्लेयर आज के मैच में चलते हैं, फिर भी ये जो कॉम्बिनेशन पहले मैच में चले वो नहीं चले गए, उनमें से कोई ना कोई प्लेयर बदल के आएगा। यानी कि सेम कॉम्बिनेशन एक बार अगर चला तो वो दोबारा उस सीरीज में नहीं चलता है। ये मैं 2023 से लेकर 24 तक जितने भी सीरीज हुए हर सीरीज में मैंने ऐसा ही देखा है, इसलिए आज के मैच में भी ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे। तो एक दूसरे से हटकर कॉम्बिनेशन लेना है आपको, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कॉपी नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ पर 4 प्लेयर चले तो 4 प्लेयर वाला भी चलता है तो इनसे हटकर आपको लेना पड़ेगा। 5 प्लेयर वाला चलता है तो इनमें भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको इनमें से कोई भी कॉपी नहीं करना है, मिनिमम एक प्लेयर आपको बदल के एक यूनिक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, सेम कॉम्बिनेशन के साथ मत जाना। और 3 कॉम्बिनेशन वाला भी आप अगर टीम बनाना चाहते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से 3 प्लेयर वाला, तो यहाँ पर भी आपको जो भी प्लेयर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनमें भी आपको मिनिमम एक और मैक्सिमम 3 प्लेयर का डिफरेंस रखते हुए यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या तो आप सभी के सभी प्लेयर बदल सकते हैं या फिर
एक बदल सकते हैं या फिर दो भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है इनमें, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है पड़ेगा, चलो वो भी बता देता हूँ। तो यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में मिनिमम एक प्लेयर आपको बदल देना है, मैक्सिमम तीन तक बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप इनमें ये भी, इनमें जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है उनमें एक प्लेयर ज़्यादा ऐड कर देना, यानी कि सेम वही कॉम्बिनेशन लेना और उसके साथ और एक प्लेयर ऐड कर देना। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यूनिक, या फिर मैक्सिमम तीन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन यूनिक बनाते हुए अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। अगर आपको आप इस तरह से यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपकी फर्स्ट या फिर टॉप रैंक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और आज के मैच में आप देख लेना, जो भी कॉम्बिनेशन फर्स्ट रैंक पे आएगा वो यूनिक कॉम्बिनेशन ही होगा। तो आपको इसी तरह का यूनिक कॉम्बिनेशन आज के मैच में ट्राई करना है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के हर मैच में देखा है, T20 के हर मैच में जो भी टीम जितने भी मैच खेली है हर बार यूनिक कॉम्बिनेशन आया। IPL 2024 में हमने देखा, जो भी टीम पहले बल्लेबाज, सॉरी जिस भी टीम के तरफ से आप देखना चाहते हो देख सकते हो, हर कॉम्बिनेशन जो आया है IPL में हर टीम के तरफ से हर बार यूनिक आया है, एक भी बार एक दूसरे से कॉम्बिनेशन मैच नहीं किया। यानी कि एक मैच में अगर कोई कॉम्बिनेशन चले तो वो दोबारा नहीं चलता है, उसके उस जो भी चलेगा वो बदल कर आएगा। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है। तो इंडिया की तरफ से भी आप देख सकते हैं, इंडिया की तरफ से भी जो भी कॉम्बिनेशन आया है एक दूसरे से यूनिक आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्लेयर चले, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, तो ये चारों भी कॉम्बिनेशन एक दूसरे से यूनिक है, क्योंकि चारों में जो प्लेयर है जितने भी प्लेयर चले हैं तो एक दूसरे से ज़्यादा या कम चले हैं, इसलिए ये चारों भी कॉम्बिनेशन यूनिक है। तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन यूनिक बनाना है मिनिमम में। अगर आप इतने सेम प्लेयर भी लेते हैं तो उनमें आपको एक ना एक प्लेयर को रिप्लेस कर देना, यानी कि कोई प्लेयर पिछले मैच के कॉम्बिनेशन में आया तो उसको हटा कर उसके जगह पे कोई ऐसा प्लेयर डाल दो कि उससे एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाए, सेम कॉम्बिनेशन ना हो। इसलिए आपको यहाँ से एक भी कॉम्बिनेशन कॉपी नहीं करना है, यूनिक बनाना है। तो चलिए अब मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है ताकि आपकी फर्स्ट या फिर टॉप रैंक आ सके। तो यहाँ पर आज के मैच में कितने हाई सिलेक्शन प्लेयर है, कितने ट्रम्प प्लेयर है वो भी बता देता हूँ। तो आज के मैच में आपको हाई सिलेक्शन और ट्रम्प दोनों को मिलाकर ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, क्योंकि हर मैच में ट्रम्प प्लेयर और हाई सिलेक्शन दोनों भी टाइप के प्लेयर ग्रैंड लीग के ड्रीम टीम में आते हैं। तो यहाँ पर चलो आज के मैच में कितने हाई सिलेक्शन है आपको बता देता हूँ। तो हाई सिलेक्शन मैं किसे बोलता हूँ, जिसका सिलेक्शन 50 के ऊपर होता है उन सभी को मैं हाई सिलेक्शन, 50 के अंदर वाले को लो सिलेक्शन या फिर ट्रम्प प्लेयर बोलता हूँ। तो आज के मैच में कितने हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं उन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो 50 के ऊपर वाला सुंदर है, उसके बाद यहाँ पे और अगर बात करें तो यहाँ पर बिश्नाई, मुजरबानी, उसके अलावा यहाँ पे खलील। तो आज के मैच में ज़्यादा हाई सिलेक्शन नहीं है आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ज़्यादा हाई सिलेक्शन नहीं दिख रहे, सिर्फ 11 सारी 9 दिखे हैं। और अगर 50 के ऊपर है तो चलो चेक करता हूँ, यहाँ पे 50 के ऊपर और नहीं दिख रहे हैं, यानी कि आज के मैच में सिर्फ 9 ही प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर है। तो इनमें से आज के मैच में कितने प्लेयर आने वाले हैं, तो ये 9 के 9 नहीं आने वाले, ये आप ध्यान में रखो, ये 9 के 9 प्लेयर आज के मैच में ड्रीम टीम में नहीं आने वाले। इनमें से मिनिमम एक फ्लॉप होगा, यानी कि यहाँ से मिनिमम 8 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने आएंगे यहाँ से, तो मैक्सिमम यहाँ से आएंगे 4 आएंगे, सॉरी मिनिमम 4 आएंगे और मैक्सिमम 8 आएंगे। तो यहाँ से मिनिमम एक को आपको ड्रॉप करना है और उनके जगह पे 50 के अंदर डालना है, या फिर यहाँ से आपको मैक्सिमम यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते 5 प्लेयर को और उनके जगह पर आप 5 प्लेयर बदल कर कोई और प्लेयर डाल सकते हैं 50 के
अंदर वाले, तो यहाँ से आपको जिसका भी ड्राप करना ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आज ये ही फ्लॉप होगा इसे ही ड्राप करो, वही फ्लॉप होगा उसे ही ड्राप करो, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कौन चलता है कौन कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। इस वजह से अगर मुझे पता होता तो मैं ही हर रोज़ डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ जीत लेता। लेकिन ट्रिक कौन सी ट्रिक काम कर रही है, किस तरह से टीम बनानी है, वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिनिमम एक प्लेयर को ड्रॉप करना है, मैक्सिमम आप ड्रॉप कर सकते पांच प्लेयर। तो यहाँ पे आपको 50 के अंदर वाले डाल देना है। तो यहाँ पर 9 ऐसे प्लेयर है। तो चलिए अब मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। तो चलिए इनमें से ही कुछ प्लेयर को ड्रॉप करते हुए आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं लूँगा मुजरवानी को ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं गिल को ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद मैं गायकवाड़ को ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ से मैं अभिषेक के साथ जयसवाल दोनों को रखता हूँ, उसके बाद मैं देशपांडे को लेता हूँ। चलो पहले प्लेयर को ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी के देखूँगा। तो यहाँ से मैंने पांच प्लेयर लिए हैं, तो इसमें मैं अब ट्रंप प्लेयर डालूँगा। तो ट्रंप प्लेयर यहाँ से मैं डालूँगा, मायर्स को डाल दिया, उसके बाद और एक ट्रंप यहाँ पे डालूँगा, मैं दुबे को डाल दिया, यहाँ से सैमसंग को डाल दिया, उसके बाद दो और मुझे प्लेयर लेना है। तो यहाँ से मैं ट्रम्प डालूँगा, देशपांडे को डालता हूँ, चटारा को डालता हूँ। चटारा एक मैच में 3 निकाला और बाकी मैच में लगातार 3 बार फ्लॉप हुआ था, तो आज के मैच में चल सकता है, इस पर मैंने रिस्क लिया है। चलो और एक प्लेयर मुझे डालना है, तो यहाँ से मैं डालूँगा एफ अकरम, जो कि गेंदबाज है। वैसे ये बहुत लोअर आर्डर में बल्लेबाजी करने आता है, वैसे भी इसको बल्लेबाजी मिल जाएंगे, इंडिया के बल्ले गेंदबाज अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो विकेट ले लेंगे। और ये फहीम अकरम, सॉरी फहीम नाम है, क्या नाम है, चलो चेक करते हैं, फैज होगा शायद, फरज। तो ये गेंदबाजी भी डालेंगे, तो इस पे मैंने रिस्क ले लिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो हमें अब ये चेक करना है, हमें इसमें ट्रिक यूज़ करना है। तो हमें किस तरह से ट्रिक यूज़ करना है, इसमें हमें चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन पिछले कॉम्बिनेशन से मैच किया है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं इंडिया की तरफ से 7 प्लेयर, सैमसन जयसवाल, अभिषेक, दुबे, सुंदर, बिश्नोई, देशपांडे। तो ये 4 प्लेयर, 7 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन इंडिया की तरफ से ये वाला चला है। इसमें मुकेश चला था, मुकेश को हमने नहीं लिया, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपको यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि पिछले मैच में उस टीम के तरफ से जो भी कॉम्बिनेशन चला उससे वो कॉम्बिनेशन मैच नहीं करना चाहिए, यूनिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसी तरह से अगर 4 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे के तरफ से 4 प्लेयर वाला ये कॉम्बिनेशन है। तो हमने मुजरबानी और लोंगवे दोनों को भी नहीं लिया, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो ये भी यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आपको यूनिक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाऊँगा, देशपांडे को कैप्टन बनाता हूँ, और वाइस बनाता हूँ मैं अभिषेक शर्मा को। तो ये एक हमारी, चलो देशपांडे को कैप्टन और वाइस बनाता हूँ मैं किसी गेंदबाज को ही बना देता हूँ, चलो चटारा को, रिस्क लेकर चटारा को बना दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। चलो और एक आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लेयर बताता हूँ जिनको वो लोग नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन आपको
उन्हें लेकर ज़रूर जाना है, वो आज के मैच में ड्रीम टीम में ज़रूर आने वाले हैं। तो यहाँ पर चलो सबको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आपके लिए एक टिप्स मैं देना चाहता हूँ, वो टिप्स आपको आज के मैच में ज़रूर काम में आएंगे। तो टिप्स ये है कि बॉलिंग सेक्शन में आपको जो भी 50 के अंदर वाला प्लेयर दिखे, उनमें से आप किसी ना किसी को ज़रूर ले, क्योंकि इस T20 सीरीज में अब तक जितने भी मैचेस हुए, हर मैच में बॉलिंग में ट्रंप आया, हर मैच में बॉलिंग में ट्रंप आता है। ज़्यादा बार ट्रंप आने के चांसेस बॉलिंग में ही होते हैं, इसलिए आपको 50 के अंदर वाले बॉलर ट्रंप को आज के मैच में लेना है। तो ये टिप्स है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आज के मैच में कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको लोग लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर सैमसन और मरुमनी, इसको कोई लेकर नहीं जाना चाहता। कैम्पबेल मेयर्स को कोई लेकर नहीं जाना चाहता। रिंकू सिंह को कोई लेकर नहीं जाना चाहता। मधुवीरी को नहीं लेकर जाना चाहता। दुबे, बेनेट, अकरम, तो ये कुछ प्लेयर है जिनको लोग लेकर नहीं जाना चाहते। वैसे तो गेंदबाजों में भी है, लेकिन उतने सारे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से किसे ले और किसे ड्रॉप करें, तो वो नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इन प्लेयर में से आज के मैच में कोई ना कोई ड्रीम टीम में ज़रूर आने वाला है, ये कन्फर्म है। तो इनमें से मिनिमम एक भी आ सकता है, चार भी आ सकते हैं, पाँच भी आ सकते हैं, छः भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो इनमें से आपको जितने भी लेना है आप ले सकते हैं। तो यहाँ से कुछ प्लेयर को लेकर मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं लूँगा मेयर्स और मरुमनी दोनों को भी लेता हूँ, उसके बाद मैं चलो मरुमनी को ड्रॉप कर देता हूँ, मधुवीरे और मेयर्स दोनों को लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से लूँगा मैं बेनेट को लेता हूँ, अकरम को लेता हूँ। चलो बाकी के प्लेयर को ड्रॉप कर देता हूँ। कैम्पबेल, मारुमनी, सैमसन, उसके बाद रिंकू को ड्रॉप कर देता हूँ, सैमसन को लेता हूँ। अब मुझे दूसरे प्लेयर डालने हैं, यानी कि ये जो प्लेयर हैं ये सभी के सभी छः ट्रंप प्लेयर हैं, तो इसमें हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर डालूँगा मैं अब। तो यहाँ से मैं डालूँगा अभिषेक को, सुंदर को, उसके बाद यहाँ पे डालूँगा बिश्नोई को। चलो यहाँ से एक ट्रंप भी डाल देता हूँ, सात ट्रंप हो गए। तो इसमें और एक मुझे प्लेयर डालने हैं, गिल को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं कैप्टन बनाऊंगा, बिश्नोई को कैप्टन, देशपांडे को वाइस। अगर आज आप सिकंदर रजा को लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। वैसे ये मैं नहीं बोल रहा कि इसी टीम के साथ जाओ, लेकिन इस तरह से आपको टीम बनानी है ट्रिक का यूज़ करते हुए, आपके पसंद के आप बना सकते हैं। इस तरह से यूनिक कॉम्बिनेशन आप हज़ारों लाखों बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, जिस भी तरह की टीम पसंद हो, आप ट्रिक का यूज़ करते हुए आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं और फर्स्ट रैंक या फिर टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक टीम बना ली है, तो चलिए चेक करते हैं ये कॉम्बिनेशन वर्क कर चुका है या नहीं। वैसे ऐप अक्रम अब तक किसी भी टीम में, ड्रीम टीम में नहीं आया, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन फिर भी चलो आपको दिखाई देता हूँ। जो भी टीम बनी है यूनिक बनी है, तो चार प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। इसमें आपको अक्रम नहीं दिख रहा है चार प्लेयर वाला, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो इंडिया की तरफ सात प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर सैमसन अब तक नहीं चला किसी भी मैच में, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं इसमें सैमसन आपको नहीं दिख रहा है सात प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन में।
तो इस तरह से आपको यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है, मिनिमम एक प्लेयर का या फिर मैक्सिमम तीन या चार प्लेयर का डिफरेंस रख के आप यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आपको दो ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाऊंगा, तो दिखा दिया, और मैं आपको ट्रिक भी बता दिया कि इस तरह से ट्रिक का यूज़ करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दिए हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको दे दूंगा। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं टिप्स भी देता रहता हूँ, सिर्फ टीम ही नहीं देता, उसके अलावा टिप्स भी देता हूँ किस तरह से टीम बनानी है। तो वो सब टिप्स जानने के लिए और फाइनल अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, अगर नहीं आई है तो मत कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।